तो वो जो डिसीजन था दैट वाज द की, क्योंकि वीरू भाई को लगा उस टाइम और अनिल भाई को भी लगा कि मैं उसको अनकंफर्टेबल कर रहा हूँ, कि हाँ. उसको पता नहीं चल रहा था कि मेरी कौन सी बॉल इन स्विंग हो रही है, कौन सी नई बॉल हो रही है, जो कि मुझे भी नहीं पता था उस टाइम. तो मैं बस आ रहा था अपनी बॉलिंग कर रहा था, और साथ में मेरे पाजी खड़े थे. तो पाजी मुझे बस एक चीज बोलते थे, कह रहे कुछ नहीं करना, जो कर रहा वो करता रहा, कुछ ट्राई नहीं करना तूने, ना बाउंसर ट्राई करनी है ना कुछ करनी, जो तू उसको बोल रहा है बोलता रहा, लेकिन बॉलिंग में कुछ ट्राई मत करियो. मैंने कहा जी पाजी, अब भगवान आपको ये बोल रहा है तो आप कैसे चेंज कर सकते हो. मगर मैंने ऐसी भी स्टोरी सुनी है कि आपने भी रिकी पॉन्टिंग को स्लेज किया. स्लेज तो काफी लोगों को किया, लेकिन थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, तो हीट ऑफ द मोमेंट है. बट रिकी पॉन्टिंग ऑब्वियसली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम. तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि आप हीट ऑफ द मोमेंट, और उस टाइम आप यंगस्टर होते हो तो आपको रियलाइज़ नहीं होता कि रिकी पॉन्टिंग, आप क्योंकि आप जब क्रिकेट खेलते हो तो आपके हाथ में बॉल है, उसके हाथ में बैट है, तो अब जो भी बैट्समैन होगा वो थोड़ी तो बात सुनेगा ही बॉलर से. वीरूपा जी को कल मैंने पूछा कि ईशांत शर्मा को क्या सवाल पूछो, तो उसको पूछ अपने उसके बैटिंग के बारे में. तो मैंने क्या बैटिंग में, बोलते हुए 60 yard के शॉट मारता है मगर हवा में मारता है. बैटिंग की कोई एक्सपीरियंस होगी पाजी के साथ? वीरू भाई के साथ वो है, हम श्रीलंका में खेल रहे थे. तो वीरू भाई 198 पे खेल रहे थे, तो मेंडिस की दो बॉल बची थी, और उस टाइम मेंडिस ने आतंक मचा रखा था कि जो भी आए आउट आउट आउट. तो वीरू भाई मेरे से पूछते खेलेगा, मैं कहा वीरू भाई इसको तो आराम से खेलूंगा, कह रहे ओपनिंग तो ही करियो अगली बार. क्या बात है. बट आपकी बैटिंग काफ़ी अच्छी हुई है वीवीएस लक्ष्मण के साथ, पार्टनरशिप, माइंड ब्लोइंग बैटिंग परफॉर्मेंस, वो भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. एक्चुअली उस टेस्ट मैच से पहले उसका इंसिडेंट ये था कि मैं बैटिंग कर रहा था, जो वीरू भाई बोलते हैं कि मैं 60 yard भी नहीं टप पा रहा था. तो उस सीरीज से पहले ना मैं काफ़ी बैटिंग की प्रैक्टिस करता था, गैरी मुझे लेके जाता था, गैरी मुझे कहता नहीं यू हैव टू बैट, यू हैव टू बैट, यू हैव टू बैट, यू हैव अ टैलेंट टू बैट, यू नो यू कैन बी अ गुड मिडल ऑर्डर, सॉरी लोअर ऑर्डर बैट्समैन. तो मैं प्रैक्टिस करता था सीरियस सीरियस सीरियस, कोई बाउंसर मारे तो कोई डक करता है, कोई सब कुछ करता है, मेरी शॉट हवा में जाती थी. तो इसलिए वीरू भाई ने बोला कि उसकी शॉट 60 yard भी नहीं और ऊपर 60 yard जाती है, ग्राउंड में 60 yard नहीं जाती. तो उसी टेस्ट मैच से पहले तो गैरी ने मुझे बोला, एक दिन पहले प्रैक्टिस हमारी ख़त्म हुई, मैं बहुत थक गया था, बॉलिंग वगैरह हुई, तो गैरी ने मुझे कहा कि आई थिंक यू शुड बैट. सर गैरी नो आई कॉन्ट बैट, आई थिंक आई एम डन, आई कॉन्ट बैट एनी मोर विद यू. सी देन ही टोल्ड मी सी यू कॉन्ट गेट अवे विद द रिजल्ट, ठीक है, सो यू हैव टू वर्क हार्ड, वट एवर यू डूइंग कीप वर्किंग हार्ड. तो उसने स्पेशली मुझे प्रैक्टिस कराई टेनिस बॉल से, रैकेट से, बाउंसर्स की, क्योंकि उस टाइम मिचेल जॉनसन भी था, हिल्फनॉस, पीटर सिडल, इवन ही वॉज बॉलिंग क्विक. तो ये सब हुआ. तो उसके बाद गैरी ने मुझे स्पेशली जब नेट खत्म हो गया था, स्पेशली उसने 1-on-1 लोग, मतलब टीम जा चुकी थी और हम एक घंटे तक सिर्फ बैटिंग की प्रैक्टिस करते, जो बॉलर है वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था. क्या बात है. तो मतलब मुझे भी थोड़ा चंबा लगा कि ये सब कैसे हो रहा है. बट लक्ष्मण के साथ जो पार्टनरशिप हुई, क्या बात हो रही थी? लक्ष्मण भाई के साथ जो पार्टनरशिप हुई, उस टेस्ट मैच में भी मैं इंजर्ड हो गया था फर्स्ट इनिंग में, मेरी नी में दर्द हुआ, मेरा ITB टाइट हुआ. तो सेकेंड इनिंग में जब मैंने बॉलिंग करी, मैंने हर एक सेशन में एक इंजेक्शन ले रहा था अपने नी में. अरे बाप रे. तो मैंने तीन सेशन में तीन इंजेक्शन लिए, मैंने बॉलिंग करी. फिर नाइट वॉचमैन जब आता है तो मेरी तरफ देखा जाता है. तो मैंने बोला माई भाई मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा. माई भाई बोलते तो मैंने बोला फिजियो को, नितिन पटेल हमारा फिजियो था. मैंने बोला नितिन स्पीक. उन्होंने बोला कि हाँ. तो जैक पा ने बैटिंग नाइट वॉचमैन की पैड किए, जैक पा की बैटिंग आई, आउट हो गए. तो जैसे ही वो आउट है, माई भाई मुझे ऐसे देखते हैं, अगर आपका कैप्टन आपको ऐसी लुक दे तो आप क्या कर सकते हो. गलती हो गई. पैडअप. तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग टेस्ट मैच फंस गया. तो लक्ष्मण भाई भी इंजर्ड थे, उनका भी रनर था रायना उस टाइम. तो जब रायना रनर था तो लक्ष्मण भाई और हम बैटिंग कर रहे थे. तो लक्ष्मण भाई, जब मैं बैटिंग करने गया, लक्ष्मण भाई ने कहा ठीक है. मैंने कहा हाँ एकदम ठीक हूँ. कह रहे ठीक है. तो रायना भी था, रायना कहता कि देख लक्ष्मण भाई की कॉल पे नहीं भागना, जब मैं मेरे को देखता रही हो, जब मैं कॉल करूंगा तभी भागना है. तो लक्ष्मण भाई मेरे को कहते हैं कि जनरली जब बैट्समैन और लोअर मिडल ऑर्डर खेल रहा होता है तो चार बॉल बैट्समैन खेलता है और दो बॉल टेल एंडर को दी जाती है. तो लक्ष्मण भाई ने कहा कि नहीं हम सिंगल लेंगे. मैं कहा हाँ लक्ष्मण भाई लेंगे. तो थोड़ी देर बाद ना मिचेल जॉनसन बाउंसरों पर आ गया. मतलब एक वो मारे तो इधर से सीटी बजे, एक मारे इधर से सीटी बजे, और वो मतलब उसने लिटरली 6 की 6 मारी मुझे बाउंसर. मैंने कहा लक्ष्मण भाई अब इसको आप ही झेलो, मेरी बस की तो नहीं है, तो मैं बैटिंग कर रहा हूँ, लड़ाई पे आया हूँ.
तो फिर लक्ष्मण ने कहा हाँ ठीक है, मिचेल जॉनसन आएगा तो मैं खेलूंगा, बाकी आएंगे तो तू खेल लियो। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो ऐसे हमारी पार्टनरशिप हुई। तो वो एक्चुअली कि जो लक्ष्मण भाई ने मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया और जितना उन्होंने बिलीव दिखाया वो काफ़ी अच्छी चीज़।